और बड़ी खबर, फिर से लखनऊ आएंगे बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष। 21 और 22 जून को लखनऊ में ही रहेंगे बीएल संतोष। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बार फिर से मंथन करने लखनऊ पहुंच रहे हैं बीएल संतोष। ये एक महीने में दूसरा लखनऊ दौरा है उनका। इससे पहले वो 3 दिन तक लखनऊ में रहे, अब 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं 21 और 22 जून को बीएल संतोष। और ये एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं और उनका फिर से उत्तर प्रदेश आना, एक महीने में दूसरी बार आना, पहले 3 दिन के लिए आना, फिर 2 दिनों के लिए, अब आगे का कार्यक्रम निश्चित रूप से चुनाव की दिशा में बीजेपी की गंभीरता को दिखाता है। दिखाता है कि तैयारियां कितनी संजीदगी से हो रही हैं, कितनी गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, और इसके लिए केंद्रीय स्तर के संगठन पदाधिकारी कितने सक्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रमोट करने का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। हाईस्कूल के परीक्षार्थियों को कक्षा 9 के 50% अंक और 10वीं प्री बोर्ड में प्राप्त अंक के 50% नंबर देकर परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को हाईस्कूल के 50%, 11वीं के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक देकर उनका परिणाम घोषित होगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में गठित जो कमेटी थी, उसने परिणाम का ये ड्राफ्ट, ये फॉर्मूला तैयार किया है। आपको बताते हैं कि हाईस्कूल में कितने परीक्षार्थी थे। 29,94,312 परीक्षार्थी हाईस्कूल में है और इंटरमीडिएट में 26,10,316 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए गठित कमेटी को प्रदेश भर से 3,910 सुझाव मिले थे। 20 जून को मुख्यमंत्री के सामने ये फॉर्मूला, ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। आगामी वक्त में परीक्षार्थी परीक्षा देकर अपना परिणाम सुधार भी सकेंगे, अगर वो परिणामों से असंतुष्ट होते हैं तो। परीक्षार्थियों से लिया गया परीक्षा शुल्क उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। 20 जून तक मुख्यमंत्री के सामने यह फॉर्मूला प्रस्तुत कर दिया जाएगा। फिर से फॉर्मूला आप समझ लीजिए, 10वीं में 9वीं के 50% अंक और 10वीं प्री बोर्ड के 50% अंक काउंट होंगे। ऐसे ही 12वीं के लिए, 12वीं के परिणाम के लिए 10वीं के 50% अंक, 11वीं के 40% अंक और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक शामिल किए जाएंगे परिणामों के लिए। दो अलग अलग फॉर्मूले, 10वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग, और ऐसे बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई परीक्षार्थी असंतुष्ट होता है अपने परिणामों से, अपने अंकों से, तो उसे पुनः परीक्षा देने का, जब स्थितियां सामान्य होंगी, अवसर दिया जाएगा। बड़ी खबर है प्रयागराज से। गंगा के किनारे दफनाए गए अज्ञात शवों को मुखाग्नि। जी हां, मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने शव को मुखाग्नि दी है। जलस्तर बढ़ने के बाद कब्र से बाहर निकले शवों को मुखाग्नि दी है मेयर ने। पापामऊ घाट पर मेयर अभिलाषा गुप्ता ने यह मुखाग्नि का कार्यक्रम किया है। चिता पर रामनामी चुनरी उड़ाने के बाद मुखाग्नि दी है। तस्वीरें देख लीजिए आप पापामऊ में। जलस्तर बढ़ने पर कब्र से शव निकल गया था, उसके बाद ये काम किया वहां पर मेयर ने। और विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या देखा आपने, क्या हुआ, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर में प्रयागराज में गंगा के किनारों पर बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफना दिया गया था और शवों को इतनी बड़ी तादाद में दफनाया गया था कि जो शमशान घाट थे वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आ रहे थे। शुरू से ही इस पर विवाद हो रहा था और आशंका ये जताई जा रही थी कि जलस्तर बढ़ने पर ये सारे के सारे शव गंगा में उतरा सकते हैं और जो राष्ट्रीय नदी है जिसे मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा जाता है उसे प्रदूषित कर सकते हैं। तो बाद में जो किनारे की तरफ जो कगार जिसे कहा जाता है उस पर जो शव थे उनको धीरे धीरे निकाल करके कब्र से उनका दाह संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो जो फाफामऊ घाट है वहाँ नगर निगम के अंडर में आता है, वहाँ पर अब तक 25 शवों का दाह संस्कार इसी तरह से किया गया था। कल शाम को जब फिर एक शव जो है वो गंगा को छूने लगा था तो फिर उसे कब्र से निकाला गया और उस वक्त वहाँ पर जो प्रयागराज की मेयर है, महिला मेयर है अभिलाषा गुप्ता नंदी, वहाँ वो खुद पहुंची। उन्होंने शव को सम्मान देने के लिए
उस पर रामनामी चुनरी उड़ाई और उसके बाद जो कि अज्ञात शव था, किस परिवार का था, इसकी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने खुद ही मुखाग्नि दी एक अच्छी पहल की, जिसका वीडियो भी सामने आया है और हर तरफ मेयर के इस कदम की तारीफ हो रही है। और यही मांग लगातार उठ रही है कि जो दूसरे घाट है जहां पर किनारे की तरफ शवों को दफनाया गया है, उनको भी इसी तरह से निकालकर सम्मान के साथ उनका भी दाह संस्कार किया जाए, ताकि शवों का भी सम्मान हो सके और गंगा नदी को प्रदूषित होने से भी रोका जा सके। बहुत धन्यवाद आपका मोइन, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी दी और बेशक ये सराहनीय कदम, ये सराहनीय पहल प्रयागराज की मेयर के द्वारा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक महिला मेयर के द्वारा ये किया जाना निश्चित रूप से सराहनीय है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। तस्वीरें आप देख लीजिए, पानी बढ़ रहा है, पानी नदी का बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए जो शव दफन है नदी के किनारे रेत में वो निकल निकल के बाहर है। 25 ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया गया, एक और शव जब बाहर आया तो खुद मेयर वहां पर पहुंची फाफाबाऊ में और देखिए कैसे उन्होंने मुखाग्नि दी, रामनामी चुनरी उड़ाई गई और इस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया सम्मान के साथ। अगली बड़ी खबर कानपुर से है, वहां पर समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में घपले का मामला सामने आ रहा है। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन की सिफारिश कर दी है। शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ देने में करोड़ों का घोटाला हुआ था। तहसीलदार सदर अतुल सचान की भूमिका को लेकर भी जांच होगी। 21 लेखपालों और 6 कानूनगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण से निलंबन की संस्तुति की गई है। 12 लेखपालों को इस मामले में भी नोटिस दिया गया है। लेखपाल और कानूनगो भी बहुत जल्द सस्पेंड किए जा सकते हैं। कानपुर में जो घोटाला हुआ सरकारी योजनाओं में करोड़ों का, उसमें जो एक्शन लिया गया है, जो सिफारिश की गई जिलाधिकारी की ओर से, वो सब बातें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। शादी अनुदान में 1079 पारिवारिक लाभ दिए गए, 1444 अपात्र निकले इसमें। एसडीएम की लॉगिन से फर्जी रिपोर्ट भेजी गई, आय और जाति प्रमाण पत्र तक भी फर्जी लगाए गए थे। कई लोगों को बगैर शादी के ही 20,000 रुपए दे दिए गए, कई को बिना आवेदन के ही फायदा पहुंचा दिया गया। अगली बड़ी खबर आगरा से है, हफ्ते में 3 दिन ताजमहल का दीदार नहीं हो सकेगा। शुक्रवार की नियमित बंदी के साथ साथ शनिवार और रविवार भी ताजमहल बंद रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के चलते ताज का दीदार 3 दिन नहीं हो पाएगा हफ्ते में। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पर्यटक ताजमहल का दीदार नहीं कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जुए पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाएगी यूपी सरकार। जुआ खेलने वालों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने पर प्रतिबंध की तैयारी में है सरकार। राज्य विधि आयोग ने नए कानून के लिए मसौदा तैयार किया है। अपराध को गैर जमानती धाराओं में रखने का प्रावधान है। मसौदे में अपराध को गैर जमानती धाराओं में रखने का प्रावधान किया गया है। तो कड़ा कानून लाने की तैयारी में जुए के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार। और एक और बड़ी अपडेट दे दें कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश में लगातार ये संक्रमण कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में मात्र 291 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में एक्टिव केसेस घटकर हो चुके हैं 5,343 और रिकवरी रेट जा पहुंचा है 98.4%। बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में इन आधिकारिक आंकड़ों को देखा जाए तो कोरोना नियंत्रित हो चुका है, उसकी दूसरी लहर काबू में आ चुकी है। मात्र 291 नए मरीज पिछले 24 घंटों में और कुल एक्टिव केसेस 5,343 प्रदेश में।